जो हम लोगों की प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने रैशनल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं इस पर बातचीत की थी राइट right? उससे रिलेटेड उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने नहीं किए थे हाँ बट अभी हम लोग उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो टोटल आप लोगों के पास छः प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें से आप दो को तो हटा दो यानी कि आइडेंटिटी वाली एक हटा दो और एक आप इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है आप एक वो हटा लो ठीक है अगर आप इन दोनों को हटा लोगे तो आपके पास चार प्रॉपर्टीज बचेंगी एसोसिएटिव कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर लास्ट क्लास में हम लोग इस पर अच्छे से बातचीत कर चुके हैं ठीक है कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है क्या सारे के सारे आपके जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या चारों प्रॉपर्टीज उन चारों ऑपरेशंस पे काम करती है ये सारे टॉपिक पे हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं वी हैव ऑलरेडी डन अभी आज हमको क्या करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो ये जो बात है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन की इसमें आपको कुछ नहीं करना है जो अब आप सेवन क्लास में थे सेवन क्लास में आपके स्कूल में आपके ट्यूशन में आपने अपने टीचर्स से बेसिक सेवेंथ या उससे लोअर क्लासेस में फ्रैक्शंस को ऐड करना फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शंस को डिवाइड करना ये सीखा था बस ये उसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बस फर्क इतना सा है यहाँ पर कि यहाँ पे आप सीधा सीधा ऐड या सीधा सीधा डिवाइड या सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे आपको एक्चुअली ये करना है अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है प्रॉपर्टी वाइज ठीक है और जब उस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी वाइज कन्वर्ट कर देंगे राइट right? तो जब उस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी वाइज कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर्टीज उसमें लगाएंगे तब आपको उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है है ना ऐसा नहीं करना है करके कि कर लो चलो कर लिया हमने ऐसा नहीं उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले उस फॉर्मेट में लाना है उस फॉर्मेट में आने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते इन्वेस्ट्रेशन के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं ये बातचीत इसीलिए बताई गई क्योंकि कई लोगों को लगता है यार जब क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है तो फालतू के आप प्रॉपर्टी के साथ क्यों करवा रहे हो है ना अब बिना प्रॉपर्टी के कर लेते हैं झकझक खत्म हो जाएगी कचकच खत्म हो जाएगी तो प्रॉपर्टी के साथ क्यों करवाना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन की मतलब चैप्टर की डिमांड है अगर आप उस चैप्टर की डिमांड नहीं समझोगे सीधा आप ऐसा करोगे नहीं 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 मेरे को जो अच्छा लगता है मैं तो वही करूँगा तो वो नहीं चलेगा खैर है ना तो वो हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग सीखना होगा अब इसको सिखाया जाता है है ना इसको चलो शुरू करते हैं तो जो तुम्हारी एन की एक्सरसाइज वन है मैं उसी के क्वेश्चन लेकर इस चीज़ को सिखा रही हूँ फिर बाद में जब मुझे तुमसे सवाल निकलवाने होंगे तो मैं तुम्हें थोड़े से बाहर के क्वेश्चन दे दूँगी इससे क्या हुआ तुम्हारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी समझ में आ गई प्लस तुम लोगों को बाहर से जब मैं दूसरे क्वेश्चन दूंगी तो उसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का है क्वेश्चन नंबर वन आपको इसको सॉल्व करना है माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फाइव प्लस आपके पास फाइव बाय टू माइनस थ्री बाई फाइव और इंटू में वन बाई सिक्स ये आपके पास क्वेश्चन है अब क्या करें इसको सॉल्व करना है अब कई लोगों को लगता है अरे भाई तो सॉल्व करना कितना आसान है एंड रियली really, ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है तो वो लोग पता है क्या करते हैं जिन्होंने छोटी क्लासेस में बोर्ड मास ये वर्ड पढ़ा है उन्हें पता है कि एडिशन से पहले आपको क्या करना होता है मल्टीप्लीकेशन तो वो स्टूडेंट्स पता है क्या करने की सोचते हैं कि इन दोनों को चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आंसर वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा लेट्स से आंसर तीन और ये बीच वाला लेट्स से आंसर टू फिर क्वेश्चन में अगर ऐड करने को बोलेगा तो ऐड कर लेंगे सब करने को बोलेगा तो सब कर लेंगे उन्हें ये लगता है राइट जो कि गलत नहीं है अगर आप इस तरीके से भी करोगे नो डाउट आपका आंसर सही आएगा बट हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनी है और प्रॉपर्टीज यूज करके ही इस चैप्टर को हमें आगे बढ़ाना है बिना प्रॉपर्टीज यूज़ के आगे नहीं करेंगे ठीक है ओके तो जब भी तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन आए हमेशा है क्या ऐसे टर्म्स को ढूंढा करो जिनमें आपको कोई दो चीजें कॉमन दिख रही है जैसे टर्म्स मतलब जो जिनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है जैसे इन दोनों के बीच बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है सो दिस इज बेसिकली टर्म वन ये तो बेचारा अकेला है सो वी विल कॉल इट एज टर्म टू अकेला है तो भी टर्म में काउंट करना इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे टर्म थ्री अब इन टर्म्स के बीच में ऐसे दो टर्म्स को ढूंढो जिनमें आपको कुछ सेम सेम दिख रहा है तो मैं गई पहली टर्म के पास पहला टर्म वाला कहता है देख भाई मेरे पास तो थ्री बाय फाइव है दूसरा टर्म वाला कहता है मेरे पास तो नहीं है तीसरा टर्म वाला कहता है कि मेरे पास भी थ्री बाय फाइव है मतलब टर्म वन और टर्म थ्री को क्या करना है उनके बीच में दोस्ती हो गई और टर्म टू उनके जैसा नहीं है उनसे अलग अलग है तो उनकी दोस्ती नहीं हुई तो टर्म थ्री पता है क्या करता है टर्म थ्री बोलता है कि एक चल एक काम करते हैं टर्म टू तू मेरी जगह पे आ जा मैं काम करता हूँ तुम्हारी जगह पे चला जाता हूँ वैसे जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस तरीके से तुम्हें पोजिशंस अदला बदली करने की नींद नहीं पड़ेगी तुम्हारे अंदर इतनी मेचोरिटी आ जाएगी कि बिना पोजिशन अदला बदली किए ही तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बट राइट नाउ तुम अभी छोटे हो ऐसा अपने आप को मानो और उसमें जो लाइक like टर्म्स होते हैं या फिर मैं कहूँ जिन टर्म्स में आपको कुछ सेम सेम दिखता है उनको करीब ले आया करो ठीक है तो पहला टर्म तो देखो अपनी जगह पे वहीं का वहीं पर है उसको कोई डाउट नहीं है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जो टर्म टू है वो बोलता है ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ अच्छा जब आप उस टर्म को हटाओगे फाइव बाई टू तो फाइव बाई टू वहाँ पर जाकर कहाँ जाएगा वो बस पीछे चला गया तो उसके आगे प्लस लेकिन रहेगा ये प्लस उसके आगे देखो रहेगा ठीक है उसके आगे प्लस रहेगा और जो आपका टर्म थ्री था वो आगे आ गया तो याद रखना सिर्फ टर्म थ्री का थ्री बाय फाइव सामने नहीं लाना है उसके साथ की साइन उसके साथ के इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में वन बाय सिक्स लिखा है उसको भी साथ में लेकर आना है उसको भी साथ में लेकर आना है ठीक है ये इस तरीके से अच्छा अब अच्छा, कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब वो प्लस फाइव बाई टू को पीछे लेकर जाते हैं तो वो उसको माइनस फाइव बाई टू बनाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे मैम अगर आप जगह चेंज कर रहे हो तो साइन भी चेंज होगी ना अरे भाई साइन चेंज तब होती है जब इक्वल टू के उस तरफ हम जा रहे हो हम तो इक्वल टू के उस तरफ जीरो के पास कहीं नहीं जा रहे हम तो वहीं के वहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अच्छा आप क्या करें तो देखो अभी आपका जो टर्म वन है उसके पास भी थ्री बाय फाइव है और जो आप टर्म नंबर टू है अब जो सेकेंड नंबर पर है उसके पास भी थ्री बाय है तो दोनों के पास थ्री बाय होने का मतलब होता है कॉमन निकालना क्या करना है थ्री बाय फाइव यानी कि दोनों के पास वही सेम चीज़ है ना तो दोनों के पास से हमने थ्री बाय फाइव को ऐसे बाहर निकाल लिया जब हम थ्री बाय फाइव को ऐसे बाहर निकालेंगे तो हमें याद रखना ब्रैकेट देंगे इसे कहते हैं कॉमन निकालना इसे क्या कहते हैं कॉमन निकालना ब्रैकेट देंगे अच्छा आप सोचो दिमाग लगाओ कि ये टर्म नंबर वन के पास से थ्री बाय फाइव चला गया तो उसके पास बेचारे के पास क्या बचा होगा उसके पास माइनस टू बाय थ्री बचा होगा टर्म नंबर टू के पास से भी थ्री बाय फाइव चला गया है ना ये है ना आपकी टर्म नंबर टू अच्छा इसके पास से भी थ्री बाय फाइव चला गया तो उसके पास क्या बचा होगा उसके पास माइनस बचा होगा माइनस के साथ साथ उसके पास क्या बचा होगा वन बाय सिक्स बचा होगा और वो पीछे का प्लस फाइव बाई टू वैसे का वैसे, है ना इसको मैं अभी और सॉल्व करके दिखाऊंगी बट अभी सुनो अच्छे से सुनो अब देखो मैंने आपको जिस दिन प्रॉपर्टीज बताई थी है ना उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान प्रॉपर्टी है इसमें कुछ नहीं करना होता है ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको नंबर दिखा हुआ मिले उसको बेसिकली ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है यही कहा था मैंने तो देखो ब्रैकेट अगर मिले तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैकेट खोलना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो इसका अगर मैं उल्टा करूं उल्टा मतलब अगर मुझे ब्रैकेट बना हुआ नहीं दिख रहा है और मैं ब्रैकेट क्रिएट कर रही हूं कॉमन निकाल कर तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहां पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है यह चीज तुमको अपनी टीचर को लिखकर देनी पड़ेगी कि आपने इस पर्टिकुलर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ब्रैकेट अगर दिख रहा है पहले से उसके सामने एक कॉमन नंबर दिख रहा है तो उस कॉमन नंबर को ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे अगर आपको ब्रैकेट के बाहर कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा लेकिन हां आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं और आपने उनसे तो कॉमन निकाल के ब्रैकेट बना लिया जैसे कि मैंने अभी बनाया इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे ब्रैकेट क्रिएट करना ब्रैकेट ओपन करना बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छा मैडम ऊपर वाली स्टेप को कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दें हम अब देखो बची आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाली स्टेप में हम कर क्या रहे हैं वो सोचो आप प्रॉपर्टीज़ की स्टेप रट्टा मत मारो क्योंकि कल को कोई अननोन सवाल आ गया तो प्रॉपर्टी की स्टेप अगर तुमने इस क्वेश्चन के लिए रट्टा मार भी ली तो क्या ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है नहीं ना तो सोचो चार प्रकार की प्रॉपर्टीज थी क्लोजर क्लोजर तो देखो नहीं लगेगी क्योंकि क्लोजर ये कहती थी कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर दो लोग रैशनल हैं उनको तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो क्या तुमने अभी कोई एडिशन किया नहीं क्या तुमने अभी कोई मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन किया नहीं तुमने अभी कुछ भी नहीं किया तो क्लोजर तो नहीं लग सकती डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लग सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है या तो ब्रैकेट खोलना या तो ब्रैकेट लगाना पहली स्टेप में तो ना ब्रैकेट खोला जा रहा है ना तो लगाया जा रहा है अब बची हैं दो एक को हम कहते हैं असोशिएटिव और एक को हम कहते हैं कम्यूटेटिव है ना एक को हम कहते हैं असोशियेटिव और एक को हम कहते हैं कम्यूटेटिव तो ये आपकी अब देखो कॉपी में खोल कर ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करती है ये है आप लोगों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इस तरीके से अपना दिमाग चलाकर कौन सी प्रॉपर्टी किस स्टेप में लग रही इसका सोचना होता है खैर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं नेक्स्ट स्टेप में अब आपको इसको सॉल्व करना है अच्छा सॉल्व करना है क्या बिल्कुल कैसे देखो बोडमास नामक एक वर्ड होता है बोडमास नामक वर्ड में जो बी होता है वो बी क्या मतलब क्या होता है ब्रैकेट उस बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो पहले हम ना ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है अब मैं तुम्हें स्टूडेंट्स की मिस्टेक बताती हूं कई बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि माइनस माइनस प्लस होता है ऐसा उनको सिखाया जाता है गलत नहीं है हर टीचर के सिखाने का तरीका अलग होता है मैं भी ऐसे ही सिखाती हूँ बट uh, जैसे अगर अंकित से तुम पढ़ रहे होते तो डेफिनेटली वो ऐसे नहीं सिखाते वो उनका अलग तरीका होता है हर टीचर के सिखाने का तरीका अलग होता है तो स्टूडेंट पता है अपने दिमाग में पता नहीं क्यों एक गलत फहमी पाल लेता है उसे लगता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है सुनो ये मैं मिस्टेक पॉइंट बता रही हूँ ये मिस्टेक यानी कि ये डेंजर पॉइंट है ठीक है इसको तुमको नहीं करना है वो ये मिस्टेक पॉइंट क्या है एक स्टूडेंट को पता है क्या लगता है कि अगर कहीं लिखा है माइनस टू माइनस थ्री अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है वो ये सोचता है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है और पता है वो बंदा या वो बंदी क्या प्लस आंसर बराबर पाँच। वो ये करते हैं है, मानती हूँ कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन इस बात को अपने दिमाग में रखो अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में जैसा आपको लिख कर दिया गया है इसी से आपको अपना क्या करना है सल्यूशन करना है तो इसका करेक्ट तरीका क्या होगा अगर ऊपर वाली चीज़ को मैडम आप मिस्टेक कह रहे हो तो इसका करेक्ट तरीका भी बताओ करेक्ट तरीका ये होगा माइनस माइनस प्लस होता है हाँ होता है बोलो टू प्लस थ्री कितना टू प्लस थ्री पाँच तो मैडम मैं भी तो पाँच ही लिख रहा था ऊपर सुनो बात ख़त्म नहीं हुई माइनस माइनस प्लस होता है प्लस करने के बाद देखो टू और थ्री में बड़ा नंबर कौन है टू और थ्री में बड़ा नंबर है माइनस थ्री थ्री मतलब बड़ा है तो थ्री के आगे की साइन कौन सी है माइनस तो यहाँ पे इसके आगे भी माइनस आएगा अब सोचो अगर ऐसे करते तो कितना अलग आंसर आ रहा है ऐसे कर रहे हो तो कितना अलग आंसर आ रहा है तो ये वाला काम मत करना ठीक है ओके तो अब यहाँ देखो ऊपर क्वेश्चन में आओ मुझे इन दोनों ब्रैकेट को ए, अंदर के टर्म्स को सॉल्व करना है माइनस माइनस क्या होता है बोलो प्लस होता है अब देखो ये फ्रैक्शन है ये नॉर्मल नंबर्स नहीं है अच्छा मैं तुम्हें एक मिस्टेक पॉइंट और बताती हूँ जब भी यहाँ कोई ट्यूशन में आता है एडमिशन के लिए तो हम लोग हमेशा एक स्टूडेंट से ये चीज़ पूछते हैं बेसिक चीज़ और बहुत सारे हंड्रेड में से नाइन्टी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं ठीक है थ्री बाई फाइव प्लस वन बाई टू अगर आपने उनको दिया पता है वो क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करके फोर कर देते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करके सेवन कर देते भैया ये गलत है ऐसे नहीं करते जब आपको फ्रैक्शंस को ऐड करने को दिया जाए या फिर जब आपको फ्रैक्शन अपट्रैक करने को दिया जाए आप ऐसे नहीं करना दो तरीके होते हैं जो आपने लोअर क्लासेस में सीखे होंगे एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक होता है एलसीएम निकाल कर मैं फ़िलहाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले तरीके से बता रही हूँ ये इमेजिन करते हुए कि अभी मेरे को जिस इंसान को मैं पढ़ा रही हूँ उसको लोअर क्लासेस का कुछ नहीं आता है एल्सीयम एल्सीयम कुछ नहीं आता है जिस बंदे या बंदी को बहुत अच्छे से आता है एल्सीयम एल्सीयम निकाल के फ्रैक्शन ऐड करना वो अपना कर ले इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए पर जिसको नहीं आता है उस इंसान के लिए पहले मैं बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ देखो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मैथड में ये जो सिक्स है ये इससे मल्टीप्लाई होगा बोलो कितना होगा सिक्स टू जैट ट्वेल्व आगे की माइनस साइन तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ट्वेल्व फिर ये जो नीचे का थ्री है ये इस वन से मल्टीप्लाई होगा इसको हम लोग कहेंगे माइनस थ्री और ये दोनों नीचे वाले भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो थ्री सिक्सा कितना हो जाएगा ये थ्री सिक्सा हो जाएगा ये एटीन अच्छा उसके बाद ये प्लस फाइव बाई टू वैसे का वैसे क्या मैडम हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं अभी नहीं हुआ अभी और सॉल्व करने का बाकी है ब्रैकेट के बाहर जो थ्री बाई फाइव है वो वैसे का वैसी ब्रैकेट के अंदर आओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस बट क्या प्लस लिखेंगे नहीं दिमाग में प्लस करेंगे बोलो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन ट्वेल्व और थ्री में से बड़ा कौन ट्वेल्व ट्वेल्व के आगे की साइन कौन सी है माइनस तो फिफ्टीन के आगे भी माइनस बड़े नंबर की साइन देते हैं अपॉन में एटीन प्लस फाइव बाई टू वैसे का वैसी अब देखो चाहो तो तुम इसको इतना ही रखो बट मैं क्या सजेस्ट करती हूँ जब भी आपको एक फ्रैक्शन दिखे फ्रैक्शन को हमेशा क्या किया करो फर्दर सिंप्लीफाई किया करो तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो थ्री फाइव ज़ा ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन और ये कितना हो जाएगा थ्री सिक्स जटीन है ना काटा करो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को तो आपके पास क्या बचा आपके पास बचा थ्री बाय फाइव और आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में माइनस फाइव बाई सिक्स देखो ब्रैकेट अगर लगा है ब्रैकेट के आगे अगर एक नंबर लिखा है और दोनों के बीच में यदि आपको कोई साइन नहीं दिख रही इसका मतलब वहां पे जरूर कौन सी साइन है मल्टीप्लीकेशन की साइन है ठीक है वहां पे जरूर कौन सी वाली साइन है मल्टीप्लीकेशन की तो मैडम अब क्या करें अभी देखो बोर्ड मास में जो बी था ब्रैकेट वो तो हमने सॉल्व कर लिया है ना अभी डी फॉर डॉग यानी कि डी फॉर डिवीजन डिवी डिवाइड तो इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं छोड़ो फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करो ये नीचे का फाइल ये ऊपर का फाइल कट गया ठीक है ये वाला थ्री वन सा ये थ्री टू सा बोलो क्या बचेगा अब देखो जहां पे वन है वन को लिखने की नीड नहीं है ठीक है जैसे यहाँ पे भी कट के वन बचा यहाँ भी कट के वन बचा लिखने की नीड नहीं है बट फिर भी मैं लिख देती हूँ बोलो मल्टीप्लाई करो इनको वन इंटू वन कितना हो जाएगा माइनस वन नीचे वन इंटू टू कितना हो जाएगा वन बाई टू और ये कितना है फाइव बाई टू एस क्या बात समझ में आई अब क्या करें अब इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो क्या तुम लोगों को फैक्शन ऐड करना आता है बिल्कुल आता है एल से भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो तुम किससे करोगे जो तुम्हें अच्छा लगे बट इसमें ना तो अभी एल लगाने का ना तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने का एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी लगाते हैं एरिया सब करते वक्त जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग आए जैसे एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर थ्री है दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फाइव है इस तरीके की अगर सिचुएशन आए तो एलसीएम लगाते हैं अभी देखो इसका भी डिनोमिनेटर टू है इसका भी डिनोमिनेटर टू है, है। यहां पे तो दोनों का सेम है तो ऐसे केस में आपको ना तो एलसीएम लगाने की जरूरत है ना ही आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो बोलो क्या करेंगे सीधा न्यूमरेटर दोनों के न्यूमरेटर देखो पहले वाले का न्यूमरेटर क्या है माइनस वन दूसरे वाले का न्यूमरेटर क्या है प्लस फाइव दोनों को एक साथ लिख दो अपॉन का साइन डाल दो और आपको दो दो टू दिख रहे हैं तो दोनों के बदले एक टू लिखो सिर्फ एक टू खत्म ये होता है तरीका जब आप लोगों के क्या हो अगर आपके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो तो देखो जिन बच्चों को नहीं आता है ना उनको डेफिनेटली तकलीफ होगी ही होगी क्यों तकलीफ होगी कि अरे ये ऐड कैसे कर रही है अरे सब कैसे कर रही है पर जिनको आता है उनको नहीं होगी तो जिनको नहीं आता है उन्हें थोड़ी सी खुद पुरानी क्लासेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिक्स और सेवन्थ की चीज़ों को पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने कैसे किया क्यों कैसे नहीं किया है ना ऐसे खैर डिवाइड में आ जाते हैं अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में आ गया आप लोगों का टू ठीक है अपॉन में आ गया टू चलो एक मिनट ये लिखा नहीं रहा है दो मिनट मुझे चेक कर ले दो मिनट रुको तो अभी इसके नीचे में क्या आ जाएगा टू अब ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं माइनस प्लस बोलो क्या होता है जैसे माइनस माइनस प्लस होता है वैसे ही अगर एक नंबर के आगे माइनस हो और दूसरे नंबर के आगे अगर प्लस हो तो माइनस प्लस क्या होता है इट विल बी माइनस तो फाइव में से वन गया दैट वुड बी फोर साइन बड़े नंबर का बड़ा कौन है फाइव तो फाइव के आगे क्या है प्लस वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया अच्छा अब इनको क्या कर दो इनको अगेन कैंसिल कर दो टू वन जा टू टू जो सो फाइनल आंसर कितना आ गया है यहाँ पे टू ये इस तरीके से करेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का ये क्वेश्चन नंबर वन है ठीक है ये एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्या है क्वेश्चन नंबर वन ठीक है ओके okay. अच्छा बढ़िया है अब आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में भी उसने यही बोला है कि भैया सॉल्व करो बट अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगा कर सॉल्व करो ऐसे नहीं कर देना है चलो ठीक है लगाते हैं जैसे इस क्वेश्चन में लगाइए अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी वैसे इस क्वेश्चन में भी लगा लेंगे हमारा क्या जाता है अब पहले तो यहाँ पे टर्म्स कितनी आप पहले वो देख लो मल्टीप्लीकेशन के साथ का जो पेयर होता है मतलब मल्टीप्लीकेशन के आजू बाजू के जो पेयर्स होते हैं जैसे देखो ये मल्टीप्लीकेशन है और बाजू में ब्रैकेट डाल दिया ब्रैकेट डाल दिया मतलब वो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट इसलिए डाल दिया है क्योंकि नेगेटिव वाला भी एक साइन है मल्टीप्लीकेशन भी एक साइन है दोनों साइन को साथ साथ नहीं लिखते ये हो गया आपका एक टर्म नंबर वन ये दोनों हो गए टर्म नंबर टू ये दोनों हो गए आपके टर्म नंबर तीन क्या बात समझ टोटल तीन टर्म्स हैं जरा अपनी आंखें घुमाओ और देखो क्या किसी टर्म्स को पास में लाया जा सकता है क्या उन्हीं टर्म्स को पास में लाना जिनमें कुछ कुछ आपको सेम दिख रहा हो तो डेफिनेटली लाया जा सकता है इसके पास भी टू बाय फाइव है इसके पास भी टू बाय फाइव है है ना ऐसे केस में आप उन दोनों टर्म्स को पास ले आओ पहली वाली टर्म तो आपकी वैसी की वैसी ठीक है ये वाली टर्म आपकी वैसी की वैसी अच्छा जो थर्ड टर्म थी उसको आगे ले आओ तो उसके आगे प्लस है उसके आगे वन बाय फोर्टीन है उसके आगे टू बाय फाइव है ये और जो बीच की टर्म थी वो बेचारी आपकी बिना कुछ बोले पीछे चली गई मायूस अरे यार मेरे को पीछे भगा दिया चली गई कोई दिक्कत नहीं अब जब हम इस तरीके से कुछ कॉमन वाली टर्म्स को पास में लाते हैं तो मैंने अभी अभी, अभी आपको ऊपर बताया था इसे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं तो यहाँ पे अपना आंसर लिख दो यहाँ पे रीज़न दे दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब पाँच में क्यों लाए हो पाँच में इसीलिए लाए क्योंकि इसके पास भी टू बाय है इसके पास भी टू बाई है ताकि हम लोग टू बाई को कॉमन निकाल सकें तो निकालो ना फिर कॉमन वेट किसका कर रहे हो तो टू बाई फाइव कॉमन निकाल लिया अब बताओ टू बाई फाइव कॉमन निकालते बराबर ब्रैकेट देना अगर मैं इस पहली टर्म में से टू बाई फाइव कॉमन निकाल लूँ उसके पास से उसका टू बाई फाइव छीन लूँ तो क्या होगा क्या बचेगा मैडम माइनस थ्री बाई सेवन बचेगा तो ये लिख दो माइनस थ्री बाय सेवन अगर जो पीछे में टू बाय फाइव लिखा है इस टर्म में इसके पास से भी अगर मैं टू बाई फाइव निकाल लूँ तो उसके पास क्या बचेगा उसके पास प्लस वन अपॉइन्ट फोटीन बचेगा इस तरीके से और बाजू में माइनस वन अपॉइन्ट सिक्स इंटू थ्री बाई टू ये वैसे का वैसे ही आपका इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अभी अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा इसे क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हम लोग रीजन क्या दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है अब तो जैसा मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया है वैसे ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे करो अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट को जब सॉल्व करवाया था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से करवाया था इस बार भी हमको फ्रैक्शन को या अपट्रैक्ट करना है बट इस बार मैं ना एल्सियम वाले मैथड से करवाती हूँ ताकि जिनको ऊपर वाली मैथड समझ में आ गई है या जिनका रिकॉल हो गया है वो नीचे वाली मैथड के बारे में भी अपना थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें आप किसी से भी करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो एडिशन सब फ्रैक्शंस का या फिर एल्सीम वाली से करो आंसर सेम ही आता है आंसर अलग नहीं आता है बट वो कैसा रहता है चॉइस होती है स्टूडेंट की क्योंकि उसको क्या तरीका आसान लगता है वो किस तरीके से करना चाहता है खैर अभी जो पहला फ्रैक्शन मेरे को दिया है माइनस थ्री बाय सेवन उसका डिनोमिनेटर क्या है सेवन जो प्लस में बाजू में लिखा है उसका डिनोमिनेटर क्या है वन बाय फोर्टीन यानी कि चौदह बराबर अच्छा ठीक है बहुत ही बढ़िया अब ऐसे में वहाँ पे तुम ध्यान दो दोनों के डिनोमिनेटर्स दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं है ना तुम ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो ऐसे केस में हमको या तो एल मेथड लगानी है या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या करें तो हम लोग लगाते हैं इस बारे क्वेश्चन में एलसीयम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो बट मैंने इस बार एल लगा दिया तुम्हें सिखाने के लिए एलसीयम में दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो सेवन को मैं आखिर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका डिनोमिनेटर भी बाजू वाले के जैसा बन जाए तो बाजू वाले का डिनोमिनेटर फोर्टीन है सेवन को फोर्टीन बनाया जा सकता है क्या हाँ बिल्कुल टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैडम आप ये लो मैंने नीचे भी टू से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी किया ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर नीचे को सेम बना रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा ठीक है अच्छा प्लस वन बाय फोरटीन आपका वैसे का वैसी ठीक है अच्छा माइनस वन बाय सिक्स इंटू में आपका थ्री बाई टू बराबर चलो आगे बढ़ो यहाँ पे आ गया टू बाय फाइव कितना हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू दैट वुड बी माइनस सिक्स नीचे सेवन टू जा फोर्टीन प्लस वन बाई फोर्टीन अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम टू सेम फोर्टीन फोर्टीन अब जब किसी भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया है तब आपको उस डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखना होता है और जो उनके जो दो न्यूमरेटर्स होते हैं उन दोनों को इस तरीके से साथ में लिख देना होता है ठीक है उन दोनों के न्यूमरेटर्स को इस तरीके से क्या लिख देना होता है साथ में लिख देना होता है अब छा साथ में लिख दोगे तो बोलो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू बाई फाइव ये आ जाएगा माइनस फाइव ये आ जाएगा सिक्स में से वन गया, पाँच बचा, सिक्स क्योंकि बड़ा नंबर है उसके आगे की माइनस फाइव माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू अब क्या करें अब देखो ये दोनों एक टर्म है ये दोनों एक टर्म है तो जो पहली टर्म है क्या उसमें कुछ कट रहा है क्या देख लो हाँ मैडम फाइव वनजा फाइव वनजा टू वन जा टू सेवन जा देखो कट गया क्या सेकेंड टर्म में कुछ कट रहा है बिल्कुल थ्री वन झा थ्री टू झा अच्छा जो बच गया उसके बारे में बात करते क्या करूं बचे वाले का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो ठीक है मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऊपर ऊपर का होता है नीचे नीचे का होता है वन वन झा वन आ जाएगा है ना माइनस साइन लगेगी नीचे में वन सेवन जा सेवन आ जाएगा माइनस वन वन झा वन हो जाएगा और टू टू जा फोर हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी भी तो देखो आखिरी में चीज़ें बच गई अरे यार अभी भी बच गई क्या हाँ क्या करना है इनको फ्रैक्शन है बीच में प्लस माइनस का साइन है सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करें तुम्हारी मर्जी तुम चाहते हो तो एल से सॉल्व करो तुम चाहते हो तो किससे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ठीक है तुम्हारी मर्जी पूरी तरीके से तुम्हारी मर्जी अच्छा अब मैं इसका जो एडिशन है जो भी अभी फिलहाल तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करके दिखा रही हूं बताओ ये फोर किससे मल्टीप्लाई होगा इस वन से तो कितना हो माइनस फोर ये सेवन किससे मल्टीप्लाई होगा इस वन से ये बीच का माइनस है तो ये माइनस सेवन नीचे के इन दोनों लोगों को भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा सेवन फोर ट्वेंटी एट सो दैट विल बी माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी एट ये होगा करेक्ट आंसर तो देखो स्टार्टिंग की सिर्फ दो स्टेप्स में पहले प्रॉपर्टीज लगाइए बाकी की जो नीचे जितना भी काम किया गया है ना ये बेसिकली आप लोगों का कौन सा काम है यह आप लोगों के लोअर क्लासेस का काम है मल्टीप्लाई करना ऐड करना सब करना है ना अगर किसी को भी इसमें दिक्कत होती है जिसको नहीं समझ में आता है जिसने नहीं पढ़ा है लोअर क्लासेस अच्छे से वो सीधा इंसान फ्रैंक होकर पूछे कि नहीं एक को नहीं आता है करके आप सिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग एक दिन दो दिन सेवन्थ क्लास की बुक में जो बेसिक फ्रैक्शन का एडिशन सब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे चलेगा बट उसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चन से मूव करेंगे है ना उसमें कोई शर्म नहीं रखनी है ऑनलाइन क्लासेस का यही बेनिफिट होता है कि आपके बाजू में जो दूसरा लड़का भी रहता है अगर वो भी इस ट्यूशन में है तो उसको कभी ये पता नहीं चलेगा कि यार उसका क्या चैप्टर चल रहा है मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे हर बच्चे का अलग चैप्टर चलते हैं जो जा तेज होता है वो जल्दी जल्दी आगे भग जाता है और जो स्लो होता है वो धीरे धीरे पीछे चलता रहता है अपने कंसेप्ट को कवर करते हुए है ना आपको क्लास के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता है अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है फटाफट 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 जल्दी 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 करो क्योंकि अगर कोई बच्चा स्लो है तो उसके लिए टीचर कभी नहीं रुकता नहीं रुक सकते ना समझो आप खैर ये मैंने आपको अभी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन करवाया क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री मैं राइट right नाउ भी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरा एम ये है कि लास्ट क्लास में मैंने जो तुम्हें प्रॉपर्टी सिखाई थी भारी भरकम क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करवा दी है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लू और भी उसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल है बट अभी मैं उसमें हाथ नहीं डाल रही हूँ उसके लिए मैं अलग से फिर से एक और वीडियो बना लूँगी ठीक है सेकंड पार्ट बना लेंगे इस एक्सरसाइज का अभी हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में हाथ डाल रहे हैं जो उस चार प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ठीक है चलो तो अभी आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पाँच देखिएगा ठीक है अच्छा अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अगर आप पाँच देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने बोला है नेम द प्रॉपर्टी मतलब उसने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछा है सिंप्लीफाई करने को नहीं पूछा जैसे पहला क्वेश्चन है माइनस फोर बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर बाय फाइव इक्वल टू माइनस फोर बाय फाइव ये उसने लिख दिया सेकेंड क्वेश्चन उसने लिख के दिया है माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन इंटू में माइनस टू अपॉन सेवन ये लिख दिया है इक्वल टू में माइनस टू अपॉन सेवन इन टू में माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन ये लिख दिया है और थर्ड वाला जो क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है वहां लिख दिया है माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई में ट्वेंटी नाइन अपऑन माइनस नाइनटीन और इक्वल टू में लिख दिया है वन क्या ये बात समझ में आ रही है अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी लग रही है तो देखो हम लोगों ने टोटल छः टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एक एक करके अपने दिमाग में डालना शुरू करो ठीक है कौन सी प्रॉपर्टी है कहाँ की है कैसी है सब कुछ फटाफट 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 फटा 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 ठीक है ठीक है कर लेंगे आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो माइनस फोर बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन लिखा है एक काम करो माइनस फोर बाय फाइव को अपना पी बोल दो पी पी कोई भी एक नंबर कोई भी एक वेरिएबल ठीक है और जो वन है इस वन को अपना क्यू कह दो अब उसके बाजू में देखो बाजू में क्या लिखा है वन को पहले लिख दिया है और क्यू को बाद में आ, मतलब वन को पहले लिख दिया है मतलब क्यू को पहले लिख दिया है और माइनस फोर बाय फाइव को पीछे लिख दिया है यानी कि पी यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहना चाहिए पी मल्टीप्लाई बाय क्यू करो या फिर क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू करो पी करो मतलब मल्टीप्लीकेशन को पहले नंबर को दूसरे नंबर से करो कि दूसरे को पहले से करो जो आंसर आएगा वो दोनों के लिए ही बोलो क्या आएगा सेम अब तुम मुझे बताओ ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है क्या ये क्लोजर हो सकती है ना 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 क्योंकि क्लोजर का मतलब क्या होता था कि जब आप ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर होगा जब आप सब्ट्रैक कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर होगा तो क्लोजर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव हो नहीं सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम ब्रैकेट देखते थे या फिर कॉमन निकालते थे या तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है अब या तो एसोशिएटिव होगी या तो ये कम्यूटेटिव होगी ये नहीं हो सकती क्योंकि में टोटल कितने नंबर लगते थे तीन पी क्यू आर है ना तो मतलब ये ये कौन सी है? ये है आप लोगों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव कि आप P को Q के साथ ऐड करो कि Q को P के साथ ऐड करो फर्क नहीं पड़ता देखो अभी मैं जो बातचीत कर रही हूं ना ये उसी इंसान को समझ में आएगी जिसने कल प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर देखा है जैसे प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर नहीं देखा है ना उसको समझ में नहीं आएगा खैर नीचे आ जाओ क्या तुम्हें नीचे नहीं लगता नीचे भी यही सेम चीज हो रही है माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन को P कहा गया है माइनस टू अपॉन सेवन को Q कहा गया है दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन माइनस टू अपॉन सेवन को अभी Q है और जो माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन था वो आपका P है तो ये देखो क्या कहना चाह रहा है कि P को Q से मल्टीप्लाई करो कि Q को पी से मल्टीप्लाई करो है ना आंसर वही आने वाला है तो ये भी आप लोगों की कौन सी प्रॉपर्टी है कम्युटेटिव इवन मैं तुम्हें एक बात और बताती हूं कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन उसको कम्यूटेटिव के साथ साथ हमें और प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव के साथ साथ और कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे मैम आप इसको देखो क्लोजर तो नहीं हो सकती हाँ नहीं हो सकती क्योंकि क्लोजर होगी या तो एसोसिएटिव होगी या तो कम्यूटेटिव होगी या तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी कम्यूटेटिव हो चुकी है अच्छा फिर कौन सी बच गई याद करो मैंने तुमको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कौन सी आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैंने बोला था दो टाइप की आइडेंटिटीज होती है एक होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मैंने कहा था एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन वाला है पहला वाला तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी दुनिया के किसी भी नंबर के लिए दुनिया के किसी भी नंबर के लिए हमेशा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है वन तो इसका मतलब ये साथ ही साथ में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है अब अगर किसी को ये नहीं पता कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है तो वो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखें तभी उसको ये बात समझ में आएगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं उसके अलावा मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी और बताई थी क्या बताई थी अच्छा सुनो 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 क्वेश्चन नंबर वन को और क्वेश्चन नंबर टू को करने के बाद एक स्टूडेंट के अंदर इस तरीके से फीलिंग आ जाती कि मैडम क्वेश्चन नंबर सी भी कम्यूटेटिव ही होगा बट नहीं यार क्वेश्चन नंबर सी कम्यूटेटिव नहीं है क्यों नहीं है देखो क्वेश्चन नंबर सी में आपको एक नंबर दिया गया है जैसे लेट से मैं कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है मान के चलिए मेरे पास एक नंबर है आप लोगों का पी अपॉन क्यू ठीक है मेरे पास एक नंबर है पी अपॉन क्यू तो पता है क्वेश्चन नंबर थ्री में वो क्या कर रहा है पी अपॉन क्यू में पी अपॉन क्यू में वो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा है एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है जो उसी का रेसिप्रोकल है देखो पहला नंबर क्या है माइनस नाइनटीन अपॉन में ट्वेंटी नाइन है ना ये मेरा पहला नंबर है इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके रेसिप्रोकल को मैं किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके रेसी प्रोकल को देखो ट्वेंटी नाइन ऊपर चला गया नाइनटीन माइनस नाइन्टीन नीचे आ गया तो जब हम किसी भी नंबर को उसी के रेसी प्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट क्लास में बताया गया है जब हम किसी भी नंबर को उसी के रेसी प्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी के रेसी प्रोकल से मल्टीप्लाई करने से बोलो क्या होता है आंसर वन आ जाता है और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसे क्या कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसे क्या कहते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऊपर वाला क्या था मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कि वन से मल्टीप्लाई किया है ना मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रेसी प्रोकल से ठीक है रेसी प्रोकल से मल्टीप्लाई किया ताकि आंसर वन आ जाए आंसर बना आ जाए ठीक है तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फाइव अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन उसको करते हैं हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो क्या है मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया है टेल वॉट प्रॉपर्टी अलाउज यू टेल वॉट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट अलाउज यू टू कॉम्प्यूट कॉम्प्यूट का मतलब होता है कैलक्यूलेट करना ठीक है वन बाई थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर बाई थ्री एस वन बाई थ्री सिक्स इंटू फोर बाई थ्री अब देखो इसका सोलूशन एक लाइन का है ध्यान से लेकिन सुनना हम लोगों के पास टोटल छ प्रकार की आइडेंटिटीज हैं. इस बात से तो एग्री करते हो एक होती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो कि मैंने अभी-अभी आपको ऊपर बताई कि किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल प्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना रेसिप्रोकल मतलब समझते हो ना ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर क्या तुमको क्वेश्चन नंबर सेवन में रेसिप्रोकल जैसा कुछ दिख रहा है नहीं मैडम तो इनवर्स अपने दिमाग से गायब कर दो ठीक है दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करना क्या तुम्हें ऊपर कहीं भी वन से मल्टीप्लीकेशन होता हुआ दिख रहा है नहीं. अच्छा उसमें कई भूत आत्माएं हैं जो ऐसा कहेंगे कि मैडम देखो ना ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई और बहन वो वन नहीं है वो वन बाई थ्री है वन से हो रहा है क्या नहीं तो आइनवर्स भी नहीं हो सकती और साथ ही साथ में क्या नहीं हो सकती आप लोगों की और क्या नहीं हो सकती आइडेंटिटी अब बचती है चार क्लोजर कम्युटेटिव एसोशिएटिव और आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटिव अब कैसा है जितना मैंने अभी तक तुम लोगों को प्रवचन दिया इस प्रवचन से कई लोगों के कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाती है कि अच्छा मैडम आप जब से चीख चीख के बता रहे थे ना कि आ, कि आपका जो क्या कहते हैं ब्रैकेट होता है ब्रैकेट ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि मैडम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव तो सुनो हमने जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैं मानती हूँ मैंने कहा था कि ब्रैकेट होता है ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा हुआ होता है उस नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आज की क्लास में कहा कि या तो हम कॉमन निकाल लेते हैं बट जिस दिन मैंने तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था उस दिन ये स्टेटमेंट भी कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब ब्रैकेट के अंदर प्लस हो या माइनस हो मल्टीप्लाई अगर हुआ देखो दो नंबर्स के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगने वाली नहीं है ठीक है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो पहले हमने टोटल यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज थी छः आइडेंटिटी इनवर्स इसको हमने पहले ही रूल आउट कर दिया बची चार चार में से डिस्ट्रीब्यूटिव को भी देखो मैंने रूल आउट कर दिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव सिर्फ प्लस और माइनस पे एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लीकेशन पे नहीं अच्छा अब बचती है तीन प्रॉपर्टीज कौन सी क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बराबर ओके अस थिंक व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आप लोगों का क्लोजर क्लोजर ये कहती है कि अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हैं बहुत सारे नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर वो नंबर्स जिन्हें के साथ आप ये ऐड सब्ट्रैक्ट डिविजन वाला गेम खेल रहे हो अगर वो रैशनल है तो उनका जो आंसर आएगा वो आंसर भी रैशनल होगा क्या इस पूरे क्वेश्चन में आंसर के बारे में कुछ बोला गया है क्या नहीं आंसर के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लोजर भी नहीं हो सकता दो ही हो सकता है या तो एसोसिएटिव या तो ये हो सकता है आप लोगों का कौन सा कम्यूटेटिव अब सुनो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमको ये दिख रहा है कि मैडम तीन दोस्त थे एक दोस्त का नाम था वन बाई थ्री दूसरे दोस्त का नाम था सिक्स और तीसरे दोस्त का नाम था फोर बाई थ्री पहले सिक्स और फोर बाई थ्री के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी देखो दोनों साथ साथ एक ही ब्रैकेट में रहते थे है ना अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड तो अब हुआ क्या अब उनके बीच में झगड़ा हो गया अब वन बाई थ्री किसके पास चला गया सिक्स के पास चला गया और आपका बेचारा फोर बाई थ्री अकेला हो गया मतलब इनडायरेक्टली ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए वर्ड मेरा ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए पहले जिन दो नंबर्स के साथ ब्रैकेट था उन दो नंबर से हटकर अभी किसी दूसरे नंबर पे आ चुका है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ब्रैकेट इस तरीके से इंटरचेंज करके तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कौन सी होगी असोशिएटिव प्रॉपर्टी होगी कौन सी प्रॉपर्टी है ये आप लोगों की असोशियेटिव प्रॉपर्टी है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको बताना होगा कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम है ना जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन में सिर्फ से प्रॉपर्टी का नाम है क्वेश्चन नंबर फाइव में सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछा है लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में उसने प्रॉपर्टी हर स्टेप्स में भी पूछी है जिन जिन स्टेप्स में आप बता सकते हो और उनको सॉल्व करके फाइनल आंसर भी निकाला है तो इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे ठीक है तो अभी एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट नहीं हुई है उसके सिर्फ तीन क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं सोचो 42 मिनट्स का वर्क लेते हुए 40 मिनट अप्रॉक्स मैंने लेते हुए सिर्फ तीन क्वेश्चन किए क्योंकि हमारा एम एन रटना नहीं है अगर मुझे एन का सोल्यूशन ही देना है तो मैं बुलेट स्पीड में तुमको एन का सोल्यूशन दे दूंगी तुम उसके लिए मुझे पे नहीं कर रहे हो एन का अगर तुम्हें सोल्यूशन देखना है तो तुम तो YouTube में इतने सारे वीडियोस हैं तुम किसी को भी देख सकते हो राइट हम लोग सीखने के लिए हैं कि अगर इसके जैसा और दूसरे सवाल आए तो क्या हम उसको करने के लायक हैं कि नहीं है राइट तो इसीलिए खैर तो अभी आज तुमने जो ये चीज़ सीखी इसी सेम चीज पे कल हम लोगों की क्लास की प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपको एक्जैक्टली exactly ऐसे सवाल तो नहीं ऑब्वियसली नंबर चेंज होंगे स्टेटमेंट्स की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस करके मुझे चेक करवाने होंगे ये एन के क्वेश्चन थे जो मैंने लिए ना ये एन के थे ठीक है और उसके बाद में जब तुम्हारी इस क्वेश्चन पर सफिशेंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो एन के जो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं अभी एक्सरसाइज क्योंकि कंप्लीट तो हुई नहीं है तो जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उन बचे कुचे क्वेश्चंस को भी मैं करवा के दूंगी फिर उनके वाली भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ले लूँगी बट मैं कैसे काम करती हूँ धीरे धीरे टुकुर टुकर स्टेप बाय स्टेप इससे क्या होता है सामने वाले को मेरे हिसाब से धीरे धीरे समझ में आ जाता है ठीक है अच्छा अभी अगर मैं एन की बात करूँ तो देखो एन में एक्साइज वन वन के स्टार्ट होने से पहले एक एग्जाम्पल नंबर वन है सॉल्ट एग्जाम्पल नंबर वन है और एक सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर टू है आप इन दोनों को आज प्रैक्टिस करके रखो ठीक है आज इन दोनों को आप प्रैक्टिस करके रखो जैसे मैंने आज क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू समझाया ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है बस नंबर्स बदल दिए इनको आप आज प्रैक्टिस करके रखो ठीक है ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं होता है कि छाप लिया वर्ड टू वर्ड आपको सिर्फ क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है और देखना है कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे उसका अटेम्प मुझे भेजना मैं चेक करके दूंगी टेक्स्ट बुक से टैली मत करना मेरे को भेजना, कि मैडम हमने, 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 हमने देखो ऐसा जहां जो मिस्टेक बाद में जब चैप्टर हमारा हो जाएगा तो मैं उन दोनों चैप्टर में जितने भी सोल्ड हैं उन सारे सोल्ड एग्जाम्पल का एक वीडियो बना दूंगी ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया था, था उस पर्टिकुलर वीडियो में से उसको जो क्वेश्चन समझ